आज हम है ना काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट मोशंस बट वी विल नॉट स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, है ना। तो देखिए काइनेमेटिक्स, राइट। तो वी स्टडी अबाउट all types of motions motions but do not consider the cause of motion, do not consider the cause of motion। ये बड़ी important बात है। kinematics में हम सारी मोशन को डिस्कस करते हैं लेकिन उसकी कॉज को डिस्कस नहीं करते कि मोशन होती क्यों है, है ना। कॉज ऑफ मोशन इज स्टडीड इन डायनेमिक्स, वो हम डायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। स्टडीड इन डायनामिक्स। तो देखिए काइनेमेटिक्स में हम मोशन को डिस्कस करेंगे। मोशन देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या क्या होती है। मोशन को हम डिस्कस करेंगे, कितनी टाइप की मोशन होती है। तो देखो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन वन डी मोशन, राइट। एक बात। नंबर टू, मोशन इन अ प्लेन मतलब टू डी मोशन। और एक होता है 3D मोशन, है ना। तो 3D मोशन जो होती है वो आपकी वॉल्यूम में होती है, है ना। तो मोशन इन स्पेस दैट इज 3D मोशन। तो समझिए आप एक एक बात को कि काइनेमेटिक्स में हम केवल मोशन को डिस्कस करेंगे, कॉज को डिस्कस नहीं करेंगे। मोशन जो है जनरली 3 टाइप्स होती है। इसके अलावा भी हम मोशन को और भी टाइप्स में बांट सकते हैं। देखिए पहला मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट। दूसरे टाइप की मोशन होती है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होती जो है ना, इसमें ए वेक्टर कांस्टेंट होता है। ध्यान दीजिए ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ए वेक्टर कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, ये आप ध्यान दीजिए। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन Uniformly accelerated motion is not uniform motion. आप समझने की कोशिश करिए। Uniformly accelerated motion is not uniform motion. Uniform motion नहीं है, है ना? But uniformly accelerated motion है ना? Yes. क्योंकि इसमें v बदलेगा, है ना? तो v is variable. V is not constant. बट ए वेक्टर इज कॉन्स्टेंट। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। तो नेक्स्ट, इसके अलावा जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है जो आपकी इन जनरल होती है। अब हम काइनेमेटिक्स में जिन टर्म्स को डिस्कस करेंगे उन टर्म्स पर बात करते हैं। सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स में डिस्कस करेंगे डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, फिर हम डिस्कस करेंगे स्पीड को, वेलोसिटी को और एक्सीलरेशन को। ये बस 5 बातों पर हम काइनेमेटिक्स में डिस्कस करेंगे और इनके साथ ही हमारा काइनेमेटिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
राइट। आप सब जानते हैं क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा इस पर हम बातें नहीं करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय द पार्टिकल, ट्रेस्ड आउट बाय मूविंग बॉडी। आप इस बात को समझिए, तो डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मूविंग बॉडी। जैसे मान लो आपकी कोई बॉडी है वो ऐसे चल रही है, तो इस पाथ की असली जो लंबाई है पूरी, दैट इज डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन डायरेक्टेड टू फाइनल पोजिशन। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन डायरेक्टेड टू फाइनल पोजिशन। इसका मतलब ये, आपका अगर इनिशियल पोजिशन है, मान लो कोई बॉडी स्टार्ट यहाँ से हुई और यहाँ पर एंड हुआ, तो देखिए बॉडी ऐसे ऐसे गई ना, ये रूट रहा, पूरा रूट रहा। अगर मैं इस रूट की पूरी लंबाई लूंगा तो दैट इज डिस्टेंस, और अगर मैंने स्टार्ट से एंड तक की बात कर दी सीधे तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन उसका स्टार्ट से एंड की तरफ ही होगा डिस्प्लेसमेंट का, है ना। देखिए इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो इन जनरल हम कहते हैं एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्मॉलर देन और इक्वल देन एस होता है। अब सवाल ये उठता है इक्वल कब होता है और स्मॉलर तो होगा ही, है ना। तो देखिए एस वेक्टर को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और एस को हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, एस को हम कहते हैं डिस्टेंस। अगर मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ है, सिंगल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन पाथ को हम कहेंगे कि एस वेक्टर और एस दोनों इक्वल होंगे, राइट। चलिए जी, और है सिंगल डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन पाथ, ध्यान दीजिए, फॉर अ सिंगल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन पाथ, फॉर अ सिंगल डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन पाथ एस वेक्टर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू एस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बराबर वैल्यू आएगी, करेक्ट, स्ट्रेट लाइन पाथ। नंबर टू, इफ पाथ और मोशन, इफ पाथ और मोशन इज चेंजिंग डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, देन तो फिर ये पक्का मान के चलिए कि एस वेक्टर हमेशा हर हालत में कम होगा, कभी ज्यादा तो सोचना ही मत जिंदगी के अंदर, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो, राइट। अच्छा अब देखिए ये चीज, स्ट्रेट लाइन मोशन विथ चेंजिंग डायरेक्शन, ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप ध्यान दीजिए, स्ट्रेट लाइन मोशन विथ चेंजिंग डायरेक्शन, तो आप ध्यान दो इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन विथ चेंजिंग डायरेक्शन। जैसे एक बॉडी मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से चली 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 चली
चली, यहां से वापस लौट गई, तो यहां से चली और वापस लौट रही है ना, यहां पहुंच गई, तो ये ए था, बी तक पहुंची और बी से वापस लौट गई, बी से वापस लौट गई, अब सी पर आकर रुक गई, मान लो ऐसा हो गया। अब पता है इसका अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा इसका ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस आएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका आएगा ए सी, राइट, ओके। बट कंसेप्ट वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्या है इंपॉर्टेंट चीज, एट पॉइंट बी बॉडी इज रिटर्निंग बैक, बॉडी इज रिटर्निंग बैक बैक, है ना। सो वी बी इज जीरो, वेलोसिटी एट बी इज सर्टनली जीरो, जब तक जीरो नहीं होगा वो रुक ही नहीं सकती। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही विचार का विषय है कि अगर मान लो मैं यहां से चल रहा हूं और मैं ऐसे चलता हूं, ऐसे ही चलता हूं, और फिर मैं वापस आना चाहता हूं, वापस आना चाहता हूं, तो एक बार मुझे वहां रुकना पड़ेगा, अगर मैं रुकूंगा नहीं तो मैं वापस आऊंगा नहीं, है ना। यानी कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी अगर कहीं एक डायरेक्शन में जाती है और फिर वापस लौटती है, तो उसे एक बार तो रुकना पड़ेगा, रुकना तो पड़ेगा। और आपको मैं बताऊं कि सारे एग्जाम्स के अंदर जितने एग्जाम्स हैं, नीट, जेई मेन, आईआईटी एडवांस, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन भरे पड़े, क्योंकि बच्चा यही गलती करता है, बच्चा यही गलती करता है। देखिए मैं आपको अभी इस कंसेप्ट पर और बाकी कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, फिर हम स्पीड और वेलोसिटी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक मिनट में। चलिए तो मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से संबंधित एक दो सवाल कराता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास जो है वो आपके फॉर्मूला चार्ट में से है, आप फॉर्मूला चार्ट देखिए अपना, आपके सबके पास फॉर्मूला चार्ट है, राइट। फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन देखिए फॉर्मूला चार्ट का। इसमें एक सर्कुलर मोशन हो रही है और सर्कुलर मोशन थीटा एंगल से हो रही है। तो देखिए एक सर्कल देखिए आप लोग, लुक एट द सर्कल प्लीज, ये आपका सर्कल का सेंटर है, ये इसका रेडियस आर है और ये यहाँ तक आ गया। तो पार्टिकल ए था, स्टार्ट यहाँ हुआ और यहाँ पर फाइनल आ गया ए डैश, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए। पार्टिकल ए पहले यहाँ था, पार्टिकल ए यहाँ आ चुका है, ये पार्टिकल ए डैश नई पोजीशन है, इसे कहते हैं एंगल थीटा, एंगल थीटा इसे कहते हैं आर, है ना। सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस बता देता हूँ, एस इक्वल टू डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस जो है ना इसको हम कहेंगे ए ए डैश, ए ए डैश ऐसे चल रहा है पूरा, दिस डिस्टेंस आर का आएगा, है ना। तो डिस्टेंस को आप ए ए डैश मत बोलिए क्योंकि वो पूरा आर्क है ना, इसे आप आर्क बोल सकते हैं, यस आर्क बोल सकते हैं, दिस आर्क इज आर इंटू थीटा, रेडियस है थीटा है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। चलिए अब मैं एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में पता है क्या है, ए ए डैश को डायरेक्ट जोड़ दीजिए आप, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए मैं ए ए डैश को डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना आपको, ए ए डैश को मैंने डायरेक्ट जोड़ा है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब हम इस डिस्प्लेसमेंट के दो टुकड़े कर देते हैं, कैसे, यहां से मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ इस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल का मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना आप बाइसेक्टर, ये लीजिए ये मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया तो दिस लाइन ए ए डैश हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ए ए डैश वाली जो लाइन है इसे हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो मैं अगर एक पार्ट को एक्स कहूँ तो दूसरे पार्ट को भी एक्स कहूँगा, है ना। तो देखिए मैं इसको एक्स कह रहा हूं तो मैं उसको भी एक्स बोलूंगा, तो ये आएगा टू एक्स, ये आएगा टू एक्स। मैं कहूंगा कि दिस एंगल इज थीटा बाई टू, दिस एंगल इज थीटा बाई टू, करेक्ट, एंड दिस एंगल इज थीटा बाई टू, ऑफकोर्स, राइट, ओके।
तो मैं अब कहूंगा कि अगर मैं इस ट्रायंगल को चेक करूं ध्यान से, दिस ट्रायंगल, इस पॉइंट को आप मिड पॉइंट सी बोल दो, इस पॉइंट को मिड पॉइंट सी बोल दो, है ना। तो चलिए मैं कहूंगा कि एक्स अपॉन आर बराबर साइन थीटा बाई टू, एक्स अपॉन आर बराबर साइन थीटा बाई टू। तो भैया आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2x आ गया, तो x बराबर आपका r साइन 2 थीटा बाई टू आ जाएगा, है ना। जब आपका x बराबर r साइन थीटा बाई टू आ गया तो ये आ गया है आपका 2r साइन थीटा बाई टू, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमें अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा गया हो, है ना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, s माने डिस्टेंस, s वेक्टर मैग्नीट्यूड माने डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा ऐसा ही होगा रेशियो। तो आप ये चीजें जो है ना एकदम क्लियर करके चलें कि ये हमेशा ऐसा ही होगा, एस अपॉन एस वेक्टर, एस है आपका कितना आर थीटा, एस वेक्टर कितना है आर साइन थीटा बाई टू, टू टू टाइम्स होगा ना, हाँ टू टाइम्स होगा, करेक्ट। अब आप चेक करो, आर से एक आर कट गया तो ये थीटा अपॉन टू साइन थीटा बाई टू आएगा, करेक्ट। ये चीज आपका फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, आपका फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब देखिए इसी फॉर्मूला चार्ट का मैं क्वेश्चन नंबर जो है ना, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 करना चाह रहा हूँ इसी फॉर्मूला चार्ट का, करेक्ट। तो देखिए आप फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, चलो जी। तो आप देखिए फॉर्मूला चार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कह रहे हैं वो कि x बराबर 50t माइनस 5t स्क्वायर है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर पीरियड t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकंड। तो देखिए आपका x दे रखा है, x दे रखा है 50t, 50t माइनस 5t स्क्वायर। देखो जी अब इसमें जो है ना इन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 6 सेकेंड। तो टी बराबर 0 से लेके टी बराबर 0 से टी इक्वल टू 6 सेकेंड के बीच में आपको एस भी चाहिए, एस भी चाहिए और एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, दोनों चाहिए, मतलब डिस्टेंस भी चाहिए डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, है ना। हाँ अब यहाँ जब भी कभी ऐसा दिख जाए आपको कि आपको x दे रखा हो और माइनस दिखाई दे जाए तो आप अपने आप को सावधान कर लेना, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन में चेंज विद टाइम। हाँ ये माइनस साइन बड़ा खतरनाक है। तो जब जब आपको ऐसा कभी भी दिखे कि x बराबर 50t है और आपको माइनस का साइन दिख गया बीच के अंदर, तो दिस माइनस साइन इज इंडिकेटिंग रिस्क फॉर यू कि आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है, आपको नेगेटिव मार्किंग मिल सकती है। ऐसा जब माइनस दिख जाए तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि बॉडी एक बार कहीं जा करके लौट रही हो, कहीं गई हो और फिर वापस आई हो, जैसे बॉडी यहाँ से चली हो और चल के कहीं रुक गई हो फिर वापस लौट रही हो। तो इस केस में आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बॉडी जब यहाँ से यहाँ गई थी और वापस लौटी थी तो आपका डिस्टेंस तो जो है इसका और इसका टोटल हुआ था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल इतना ही हुआ था। ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है वहाँ पे। ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि एक बार इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, है ना, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए v इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन dt करो। जब जब आपको माइनस दिखाई दे जाए ना इक्वेशन में, आप तो dx अपॉन dt निकाला करो। अब dx अपॉन dt जब करेंगे तो क्या होगा, 50 आएगा, माइनस 10t आएगा, माइनस 10t आएगा, ये आपका v आ गया। जब आपके पास में v आ गया तो आप एक काम करिए, पुट v इक्वल टू 0 वंस, पुट v इक्वल टू 0 वंस, एक बार जरा v को 0 पुट करो। तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 50 माइनस 10t बराबर 0 आया, 50 माइनस 10t बराबर 0 आया। आप उसको 0 करेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर 5 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकंड एक ऐसा टाइम है
जब बॉडी एक बार रुक रही है, चलने वाली जो बॉडी है वो एक बार रुक रही है 5 सेकंड पर, 5 सेकंड पर उसकी पोजीशन, उसका डायरेक्शन बदल रहा है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात समझाया था कि अगर मैं यहाँ से चलूँ और मुझे वापस लौटना है तो रुकना जरूर पड़ेगा भैया, रुकूंगा नहीं तो चलता ही रहूंगा, रुकूंगा नहीं तो चलता ही रहूंगा, लेकिन रुकना है तो वापस लौटना तो रुकना है, बिना रुके वापस नहीं लौटूंगा मैं, पक्का मान के चलो, कोई भी बॉडी नहीं रुके लौटेगी। अब लौट रही है तो रुका जरूर है बॉडी, ये आपका टी बराबर 5 सेकंड आ गया, राइट। अब देखिए हम, अब 5 सेकंड आ गया, हमें क्या दे रखा है, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 6 सेकंड तक क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन पढ़िए आप, फॉर्मूला चार्ट का 6 है ना आपके पास, फॉर्मूला चार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, पढ़ दिया ना। हाँ जी, अब देखो आप, मैं बड़ा जरा एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ है ना, तो टी इक्वल टू 0 पर आप एक्स बताइए कितना है, टी इक्वल टू 5 पर आप एक्स बताइए कितना है, टी इक्वल टू 6 पर आप एक्स बताइए कितना है, बताइए। वहाँ पर एक्स है, एक्स है, इसमें आप टी बराबर 0 लिखो, लिखो टी बराबर 0 तो एक्स बराबर 0 आएगा, इसमें आप टी बराबर 5 लिखिए, लिखो टी बराबर 5, 50 × 5 माइनस 5, 5 का स्क्वायर 125, 25 का 125 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125, राइट। फिर आप एक्स बराबर 6 लिखो, यहाँ पे लिखिए 6, तो 50 × 6 कितना 300, फिर इसको आप 6 6 36, और इसको लिखिए 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 रखो एक्स टी बराबर 6 रखोगे तो ये आ रहा है मेरा 180, 300 माइनस 180 कितना आएगा 120 मीटर। कुल मिलाकर के मोशन कैसी हुई है उसकी जांच पड़ताल करते हैं हम। तो देखो आपका पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट हो गया 100, टी इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हुआ था एक्स बराबर 0, फिर टी इक्वल टू 5 पर 125 मीटर दूर पहुंचा, तो पार्टिकल टी बराबर 5 सेकंड पर 125 मीटर दूर पहुंचा है, 125 मीटर दूर पहुंचा ना, लेकिन टी इक्वल टू 6 पर वापस 120 मीटर आ गया, इसका मतलब वापस लौटा है भैया, दूरी घट गई, 5 सेकंड पर 125 मीटर दूर था और 6 सेकंड पर 120 मीटर दूर है। अब सोचो आप क्या होगा है? हाँ, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक व्यक्ति जो है दिल्ली से मुंबई के रास्ते पर जा रहा था, एक व्यक्ति दिल्ली से मुंबई के रास्ते पर जा रहा था है ना, थोड़े देर 5 घंटे पहले वो जो है मुंबई से 125 किलोमीटर दूर था, वो दिल्ली से 125 किलोमीटर दूर था, फिर 6 घंटे पर वापस 120 किलोमीटर पाया गया, इसका मतलब 5 मीटर लौटा ना यार, तभी तो पाया गया, तो 5 मीटर वापस लौटा है भैया, ये लो ये 5 वापस लौटाओ, वापस लौटाइए, यहाँ पर 5 मीटर वापस आ गया, यानी ये 120 मीटर पर आ गया। अब आप जरा हालात की जांच करें पूरी, डिस्टेंस चेक करो, पार्टिकल ए से चला 125 मीटर दूर बी तक गया फिर वापस सी तक आ गया, तो आपकी डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस आएगी एस बराबर 125 प्लस वापस 5 वापस लौटा ना बी सी, तो ए बी प्लस बी सी बराबर 130 मीटर की डिस्टेंस आएगी, और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा केवल 120, क्योंकि ए सी डायरेक्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट में, तो वो 120 मीटर आएगा। देखिए कितना बढ़िया सवाल है ना। हाँ, ये आमतौर पर गलती होती है कि हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं, जबकि आपको पूरा कंप्लीट आपको चेक करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी कि क्या क्या हो रहा है। ये आपका जो है ना, मैंने एक दो क्वेश्चन दिए ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर है ना। हाँ देखना, देखिए एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट पर। ये व्हील है आपका, एक मिनट जरा, एक व्हील है और व्हील जो है रोड पर घूम रहा है, तो लुक एट द व्हील प्लीज, राइट, सड़क देख लो, सड़क पर व्हील जो है चल रहा है, तो सड़क पर व्हील चलते हुए आधे चक्कर के बाद यहां आ गया, तो आफ्टर हाफ रोटेशन
व्हील केम टू हियर, राइट। अब जब आधा रोटेशन हो गया है, थोड़ा डायग्राम बनाने दो मेरे को ठीक से, ये लीजिए आधा रोटेशन हो गया बेटा। तो आधा रोटेशन कैसे हो जाएगा व्हील का, ये पॉइंट बॉटम पॉइंट है, ये पॉइंट टॉप पॉइंट ए था, थोड़ी देर बाद में ए पॉइंट नीचे आ जाएगा, बॉटम पॉइंट ऊपर चला जाएगा। कैसे, जब ये व्हील ऐसे घूमेगा ऐसे, तो यहां आकर के ये इस तरह से ए हो जाएगा और ये आपका जो बी है वो इस तरह से ऊपर चला जाएगा, करेक्ट, ऐसा चला जाएगा। तब देखो एक तो सेंटर है, एक तो सेंटर है, तो आपसे मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर आफ्टर हाफ साइकिल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर आफ्टर हाफ साइकिल ऑफ सेंटर आफ्टर हाफ साइकिल, आधे साइकिल के बाद में डिस्प्लेसमेंट। तो सेंटर का डिस्प्लेसमेंट आधे साइकिल के बाद में होगा पाई इंटू आर, इतना चलता है डिस्प्लेसमेंट। आधा चक्कर जब हो जाता है तो कोई भी व्हील इतना चलता है, पाई इंटू आर चलता है, 2 पाई आर पूरे चक्कर में चलता है, कोई भी व्हील 2 पाई आर पूरे चक्कर में चलता है, आधे चक्कर में पाई आर चलता है, राइट। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट, टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट एक ही बात है ना, डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेटा, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप पॉइंट ए और बॉटम पॉइंट बी, है ना। हाँ कोई सा पॉइंट हो सकता है, बॉटम पॉइंट भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगा, ए भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब देखिए इस डिस्प्लेसमेंट को मैं बता रहा हूँ, आपका पाई आर तो बेटा ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर हुआ है तो पाई आर हो गया, करेक्ट। और ये आपका टू आर है, ये आपका टू आर है, करेक्ट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक आएगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ए ए डैस, मतलब ए, इसको ए डैश बोल दो, ए ए डैश, करेक्ट। तो मैं कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट का आपका वैल्यू आ जाएगा 2r का होल स्क्वायर प्लस पाई आर का होल स्क्वायर, करेक्ट। और जब ये चीज आ गई है आपके पास में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर, आप r को कॉमन ले सकते हैं, देन इट विल बिकम 4 प्लस पाई स्क्वायर, ये आपका जो है ना डिस्प्लेसमेंट आएगा टॉप पॉइंट का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर इतना आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर इतना आएगा, डिस्टेंस भी इतना ही आएगा सेंटर का, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर इज दिस एंड इट इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बाय सेंटर, है ना, हाँ डिस्टेंस बाय सेंटर, सेंटर का डिस्टेंस भी इतना ही आएगा, तो ये दोनों तो सेम आएंगे। अब एक सवाल उठता है कि व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ टॉप पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टॉप, तो एक क्वेश्चन मैं खड़ा करके दे रहा हूं आपको, व्हाट विल बी डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड है ना बाय टॉप पॉइंट ए, टॉप पॉइंट ए, टॉप पॉइंट, ध्यान दीजिए व्हाट विल बी डिस्टेंस मूव्ड बाय टॉप पॉइंट ए, है ना। देखो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट था, ए यहां था यहां आ गया, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सीधे आपने इनिशियल को फाइनल से जोड़ा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, जबकि एक्चुअल में ए का पास लगभग लगभग ऐसा है। तो व्हाट विल बी डिस्टेंस मूव्ड बाय टॉप पॉइंट ऑफ ए, आज हमारा पहला दिन है, काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाला सवाल जो है इसका जवाब मैं आपको दूंगा, मेरे को इसका जवाब देने में सर्कुलर मोशन तक आना पड़ेगा, है ना। तो मैं सर्कुलर मोशन तक आ जाऊंगा शायद इस वीक में, आप लोगों को इसका आंसर देने के लिए 7 डेज दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन मार्क है और आपको इसका जवाब कितने दिन में देना है, 7 दिन में देना है, यानी अगले संडे तक जवाब देना है 7 दिन में, राइट। हाँ आप कहेंगे कि इस इतने से सवाल के लिए 7 दिन, आप 7 दिन बाद में दीजिएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की, करेक्ट। अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, सबसे पहले मैं स्पीड के बारे में बात करता हूं, स्पीड के बारे में बात करता हूं, स्पीड को हम वी से लिखते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, है ना, और
स्पीड को हम जनरल कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जनरल बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। एवरेज स्पीड को कहते हैं, एवरेज स्पीड को कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन टेकन। आप देखिए डिस्टेंस को हम स्पीड को हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कहते हैं, स्पीड को हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कहते हैं, एस अपॉन टी, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड है ना। हाँ, अब एक चीज होती है वी, इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, इसको हम जनरल इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड जान लो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं डी एस अपॉन डी टी, वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है, ये स्पीड है, करेक्ट। अच्छा, अब जरा मैं इसी के साथ साथ वेलोसिटी की भी बात दो मिनट में कर दूं, है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को हम वी वेक्टर लिखेंगे, एंड इट इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, करेक्ट। एक चीज मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जो वी वेक्टर है, यहां पर नोट करने की बात है, एन ओ टी ई, नोट है, नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वी may, we may or may not be, we may or may not be equal to v vector, v vector magnitude, हाँ जी, we may or may not be equal to v vector magnitude, मतलब velocity vector के बराबर होना जरूरी नहीं है, है ना, तो इसका मतलब ये है कि velocity vector magnitude, मैग्नीट्यूड है ना, हाँ, ये इक्वल टू वी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वी वेक्टर इज एक मिनट, वी वेक्टर मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी इक्वल टू वी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा, ये जब स्ट्रेट लाइन सिंगल डायरेक्शन मोशन होगी तो इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा, आप सब जानते हैं, है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम वेलोसिटी को डिफाइन करना चाह रहे हैं, यहां तक मैंने स्पीड को डिफाइन किया था, अब मैं वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा हूँ, वी वेक्टर को मैं सिंपली कहूंगा एस वेक्टर अपॉन टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, हाँ, वी एवरेज वेक्टर, वी एवरेज वेक्टर को मैं कहूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट, ये वी एवरेज वेक्टर है। अब मैं बात करूंगा वी वेक्टर की, वी वेक्टर को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, instantaneous velocity, it is equal to ds vector upon dt, ये बहुत ही important बात है, right? अच्छा, अब देखो, for a single directional straight line motion, for a single directional straight line motion, motion, आपका जो v है ना, इट विल बी इक्वल टू वी वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर ऑल अदर केसेज, फॉर ऑल अदर केसेज, इसके अलावा कोई भी केस हो उसमें v ग्रेटर देन v वेक्टर मैग्नीट्यूड आएगा हर हालत में, हर हालत में, ऐसा ही जैसा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हुआ था, डिस्टेंस के लिए हुआ था, है ना, हाँ, सिंगल डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यह बराबर होगा, अदरवाइज दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर, करेक्ट। अब आप देखिए यहां पर इस हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के ऊपर, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको, वो आपको करके ला करने हैं, तो देखिए एवरेज स्पीड पर मैं सवाल करूंगा, है ना, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की फंडामेंटल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है,
वी एवरेज स्पीड दैट इज डिस्टेंस टोटल अपॉन टोटल टाइम, दैट्स ऑल, बस खत्म। डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम का मतलब टोटल टाइम है ना। इसको आप एस ऐसे लिख सकते हो, टोटल, टी ओ टी ए एल टोटल, टाइम को लिख सकते हो टी ओ टी ए एल टोटल है ना। चलिए अब मैं आपको यहाँ तीन चार क्वेश्चन देता हूँ और वो क्वेश्चन आप करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार है जो ए पॉइंट से चल रही है और बी पॉइंट तक जाती है, ए पॉइंट से चल रही है बी पॉइंट तक जाती है ना। इसके जो मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, तो आधे रास्ते पर ये V1 वेलोसिटी से चलती है, V1 स्पीड से चलती है, V1 स्पीड से। एक कार है जो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, बी पॉइंट तक जा रही है, आधे रास्ते इसकी स्पीड कितनी है, V1 है। नेक्स्ट आधे रास्ते में क्या होता है कि इस रास्ते के दो हिस्से किए जाते हैं और आधे रास्ते में ये V2 चाल से चलती है, उसके आधे रास्ते में ये V3 चाल से चलती है, राइट। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ, अगर A से B तक की डिस्टेंस S है तो यहाँ पर ये S/2 रास्ता हो गया यहाँ तक का, है ना, यहाँ तक का रास्ता S/2 हो गया और फिर यहाँ तक का रास्ता S/4 हो गया, है ना, और फिर यहाँ तक का रास्ता आपका S/4 हो गया। अब ये यहाँ पहुँच जाती है, आपको V एवरेज की कैलकुलेशन करनी है, करिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक कार है वो A पॉइंट से चलती है और B पॉइंट तक पहुँच जाती है, A पॉइंट से चलती है और B पॉइंट तक पहुँच जाती है, है ना। पूरा टोटल टाइम इसके अंदर लगा है मान लो कैपिटल T, तो पूरा टोटल टाइम है T टोटल, टोटल टाइम कैपिटल T लगा है, टोटल टाइम कैपिटल T लगा है। कार जो है अपने आधे टाइम के लिए, आधा टाइम कहाँ होगा पता नहीं, तो मान लीजिए आधा टाइम आपका यहाँ हो गया, यहाँ हो गया आधा टाइम, यहाँ आपकी स्पीड चली है V1 स्पीड है, T/2 तक टाइम, T/2 टाइम तक, कितना टाइम, T/2 टाइम, टोटल टाइम का आधा टाइम, टोटल टाइम का आधा टाइम कार चली है V1 स्पीड से, राइट। फिर ये जो आधा टाइम बच गया है, आधा टाइम बच गया है, उस आधे टाइम के दो इक्वल पार्ट किए, दो इक्वल पार्ट किए, यानी कि जो आपका T=0 से लेकर T/2 तक कार की स्पीड V1 रही, फिर जो आधा टाइम बच गया T/2, उसके दो टुकड़े किए बराबर बराबर, तो यानी कि ये T/4 टाइम है और वो T/4 टाइम है ना, T/4 टाइम एंड T/4 टाइम, T/4 टाइम, T/4 टाइम। इसमें कार की स्पीड थी V2 एंड V3। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। ये आपके दो क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है जी। चलिए अब मैं जो है ना आपको दो क्वेश्चन और देता हूं, तो आप नोट करिए दो क्वेश्चन और। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ कार कवर्स, कवर्स अ कार कवर्स फर्स्ट 40% पाथ, 40% पाथ मतलब 40% पाथ, अ कार कवर्स 40% पाथ विथ स्पीड V1 and next 60% path, next 60% path of a car covers first 40% path with speed V1 and next 60% path, next 60% of path covers
है ना, अ कार कवर्स कवर्स है ना फर्स्ट 40% पाथ विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट 60% पाथ ऑफ पाथ कवर्स विथ स्पीड्स v2 एंड v3 फॉर इक्वल डिस्टेंस डिवीजन डिस्टेंस डिवीजन डिवीजन कैलकुलेट वी एवरेज राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं मैं वापस से, आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कार कवर्स कवर्स अ कार कवर्स फर्स्ट 40% पाथ फर्स्ट 40% पाथ विथ स्पीड वी टू विथ स्पीड वी वन एंड नेक्स्ट 60% पाथ नेक्स्ट 60% पाथ फोर स्पीड्स वी टू एंड वी थ्री फॉर इक्वल टाइम डिवीजन ये इंपॉर्टेंट बात है। अ कार कवर्स फर्स्ट 40% पाथ विथ स्पीड वी वन एंड नेक्स्ट 60% पाथ फॉर स्पीड्स वी टू एंड वी थ्री फॉर इक्वल टाइम डिवीजन। ये इक्वल टाइम डिवीजन के लिए है, आपको कैलकुलेट करना है वी एवरेज। ये दो चार अलग अलग क्वेश्चंस हैं। आप पहले देखिए इस सवाल को मैं बोलकर सुनाता हूं आपको। पहला सवाल इसको मैं बोल के सुनाता हूं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ जर्नी विथ स्पीड वी वन एंड सेकंड हाफ जर्नी कवर्स विथ स्पीड वी टू एंड वी थ्री फॉर इक्वल डिस्टेंसेज। सुनिए वापस से। अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ जर्नी विथ स्पीड वी वन एंड सेकंड हाफ जर्नी विथ स्पीड्स वी टू एंड वी थ्री फॉर इक्वल डिस्टेंसेज। करेक्ट। इस सवाल को बोल के सुनाता हूं। अ कार गोज विथ स्पीड v1 है ना फॉर हाफ टाइम ऑफ जर्नी। अ कार गोज विथ स्पीड v1 फॉर हाफ टाइम ऑफ जर्नी मतलब आधे समय। जैसे मान लो कार 10 घंटे चली तो 5 घंटे चली v1 की स्पीड से, फिर ढाई ढाई घंटे चली v2 एंड v3 की स्पीड से। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है राइट। चलिए मैं एक क्वेश्चन नंबर 5 भी दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 भी दे देता हूँ है ना। ये क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको एकदम से आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कैसे कैसे निकलेगी, तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। एवरेज स्पीड का कॉमन फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये देखिए आपका फॉर्मूला एकदम फिक्स है। ये फॉर्मूला आपको हर बार यही लगाना है। वी एवरेज क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपको कंसेप्ट लगाना है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। अ कार कवर्स हाफ पाथ विथ स्पीड वी वन एंड कवर्स नेक्स्ट हाफ पाथ विथ स्पीड स्पीड्स वी टू एंड वी थ्री फॉर इक्वल टाइम्स कैलकुलेट वी एवरेज। बड़ा ही जो है ना अच्छे सवाल हो गए पांचों। देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट सुनिए, वापस एक बार सुनाता हूँ। अ कार कवर्स हाफ पाथ ऑफ द जर्नी विथ स्पीड वी वन एंड नेक्स्ट हाफ पाथ ऑफ द जर्नी इज कवर्ड विथ स्पीड्स वी टू एंड वी थ्री फॉर इक्वल डिस्टेंसेज। इस क्वेश्चन को सुनिए। अ कार कवर्स हाफ पाथ विथ स्पीड वी वन
एंड नेक्स्ट हाफ पाथ विथ स्पीड्स वी टू एंड वी थ्री फॉर इक्वल टाइम्स टाइम्स, ये ध्यान रखना। जो ये सवाल है वो देखो क्या है, अ कार गोज विथ स्पीड वी वन फॉर हाफ टाइम ऑफ जर्नी एंड नेक्स्ट हाफ टाइम ऑफ जर्नी इज डन विथ स्पीड्स वी टू एंड वी थ्री फॉर इक्वल टाइम्स। आपको वी एवरेज निकालना है, आपको वी एवरेज निकालना है, वी एवरेज निकालना, राइट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे इनके जो है ना रिलेशनशिप पर, वेलोसिटी वेक्टर पर, राइट। एक मिनट, हाँ जी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए स्पीड के बारे में हमने सीधी सीधी बात कर दी और स्पीड जो थी वो स्केलर क्वांटिटी थी, अब हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है ना। तो वेलोसिटी के बारे में हम बात कर चुके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो आप कह देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टी माने टोटल, कैपिटल टी माने टोटल, राइट। और अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं वी वेक्टर, तो सबसे सिंपल चीज है डी एस वेक्टर अपॉन डी टी, कभी कभी हम इसको डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर भी कहते हैं, है ना। तो वी वेक्टर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करना चाहता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। ये वी वेक्टर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको यहां पे कुछ बातें बता देना चाहता हूं, आर वेक्टर को हम कहते हैं पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर। अब देखिए पोजिशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है, किसी भी पार्टिकल या किसी भी पॉइंट या किसी भी बॉडी की जो पोजिशन होती है उसे हम एक्स वाई जेड से बताते हैं, एक्स कम एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो मैं कहूंगा कि पोजिशन वेक्टर को मैं कह सकता हूं आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आप सब जानते हैं। तो देखिए वी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, वी वेक्टर को मैं लिखूंगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, इसको मैं लिखूंगा डी अपॉन डी टी। आर वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा लिखूंगा मैं, राइट। और जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इस वी वेक्टर को मैं लिखूंगा डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। बेटे इस वी वेक्टर को मैं अब लिखूंगा वी एक्स आई कैप, इसे कहते हैं एक्स कंपोनेंट, वी वाई जे कैप इसे कहते हैं वाई कंपोनेंट, वी जेड के कैप इसे कहते हैं जेड कंपोनेंट। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया है। वेलोसिटी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, है ना, तो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ सर मैं आपको, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ वेलोसिटी वेक्टर का, है ना। हाँ, एंड दिस इज नॉट स्पीड, इट इज नॉट स्पीड, ये ध्यान रखना आप, मैं इसको स्पीड नहीं बोलूंगा, वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं स्पीड नहीं बोलूंगा। तो ये क्या चक्कर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसको स्पीड केवल एक केस में बोल सकते हैं, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, सिंगल डायरेक्शन, तब आप उसको स्पीड बोल सकते हैं, अदरवाइज तो पता नहीं क्या होने वाला है भैया, आप स्पीड बोलने की गलती मत कर देना। इसलिए देखो इस वी वेक्टर को मैंने जानबूझ के यहाँ पर ऐसे लिखा है ताकि किसी बच्चे के दिमाग में अगर इसको स्पीड बोलने की हो तो वो खत्म हो जाए हमेशा के लिए, राइट। हो सकता है ये स्पीड हो, लेकिन ये एक ही केस होगा इस दुनिया में जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, सिंगल डायरेक्शन वाली, तब ऐसा हो, ये आपकी वेलोसिटी वेक्टर हो गई। अब मैं एक्सीलरेशन की बात करता हूँ, राइट। देखिए मैं एक्सीलरेशन बता रहा हूँ आपको, एक्सीलरेशन होता है बेटा डी वी वैक्टर अपॉन डी टी, ये एक्सीलरेशन होता है ना, डी वी वैक्टर अपॉन डी टी। अब देखो डी वी वैक्टर अपॉन डी टी को मैं पता है क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ए वैक्टर बराबर डी वी वैक्टर अपॉन डी टी वैक्टर, मैं लिख रहा हूँ
डी अपॉन डी टी, वी वैक्टर को मैं ईमानदारी से लिख रहा हूँ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ये आपका वी वैक्टर लिखा है मैंने। अब आप ए वैक्टर को चेक करिए, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करिए, तो वही बातें वापस हो जाएंगी, डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप डी वी जेड अपॉन डी टी के कैप, ये आएगा राइट। और जब ये चीज आपके पास आ गई तो इसको मैं कहूंगा ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, करेक्ट, ये आपका आ गया। इस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड को मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, इसे मैं कह दूंगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, करेक्ट, ये आपकी एक्सीलरेशन की बात हो गई। देखिए एक्सीलरेशन को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर, ए वेक्टर को मैंने क्या लिखा डी वी वैक्टर अपॉन डी टी लिखा, आप लोग क्या करते हैं वी वेक्टर को डी एस वैक्टर अपॉन डी टी भी लिखते हैं, लिखते हैं ना डी एस वैक्टर अपॉन डी टी, तो ए वैक्टर को मैंने डी वी वैक्टर अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी एस, डी एस वैक्टर अपॉन डी टी लिख दिया, और जब मैंने ऐसा लिखा है तो ये लिखा है डी टू एस वैक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, आप चेक करें, ओके okay, ये ए वेक्टर हो गया, एक्सेलरेशन वेक्टर हुआ है ना। इसको आप आर वेक्टर से भी लिख सकते हो, वो कोई खास बात नहीं है, वो तो आप अगर आर वेक्टर लिखेंगे तो डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग इश्यू, ये एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, है ना, अगर सिंगल डायरेक्शनल मोशन हो तो फिर सिंगल डायरेक्शनल मोशन में आपको चिंता करने की आवश्यकता खत्म हो जाती है ना। तो आई विल डिस्कस अबाउट द वन डायमेंशनल मोशन, सिंगल डायरेक्शनल वन डायमेंशनल मोशन, है ना, तो एक बार इसको हम मिटा देते हैं। हाँ जी, अब देखिए सिंगल डायरेक्शनल वन डी मोशन, सिंगल डायरेक्शनल वन डी मोशन, सिंगल डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, इसको वन डी मोशन भी कहते हैं। जब ऐसा होता है कि एक ही डायरेक्शन है, डायरेक्शन बदल ही नहीं रही है, तो आप एक लिबर्टी ले सकते हैं, लिबर्टी क्या ले सकते हैं, आप वेक्टर साइन मत लगाइए, है ना। तो अगर सिंगल डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन है, वन डी मोशन है, तो आप वेक्टर का साइन न लगाने की छूट ले सकते हैं, है ना। तो देखिए अब हम इसके अंदर वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन आप लगाएं तो नुकसान नहीं है कुछ, तो यू कैन और मे नॉट यूज वेक्टर साइन, है ना, फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन, फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन मोशन वी मे और मे नॉट यूज वेक्टर साइन, ये खास बात है। यूनिडायरेक्शनल मोशन के लिए हम वेक्टर साइन यूज में ले भी सकते हैं, ना भी ले, कोई जरूरी नहीं है। मैं यहां पर कुछ बातें लिख रहा हूं, आपको वन बाय वन बातें सुननी है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं v बराबर डी एस अपॉन डी टी, v बराबर डी एस अपॉन डी टी, इसे कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द वेलोसिटी, है ना, इसे कहते हैं स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, ये इसका नाम है, करेक्ट, ओके। इसी चीज को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, देखिए कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डी एस अपॉन डी टी बराबर वी, और इसको लिख रहा हूं डी एस बराबर वी डी टी, और इसको लिख रहा हूं इंटीग्रेशन डी एस बराबर इंटीग्रेशन वी डी टी, इस इंटीग्रेशन डीएस इसको लिखता हूं एस बराबर वी डी टी, है ना, ये बड़ा वेलोसिटी है, इट इज स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, तो वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। अब इसको कहते हैं एस बराबर वी डेल्टा टी, वी टी इंटीग्रेशन, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसे कहते हैं एरिया ऑफ अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, आप बात का मतलब समझिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लियर लिख देता हूँ, है ना, रेड कलर के पेन से लिखूँ, हाँ रेड कलर के पेन से लिखते हैं। देखो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और वहाँ ऊपर वाले के लिए लिख रहा हूँ मैं पहले, फिर नीचे वाले के लिए लिख दूंगा,
तो देखो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, गिव्स अस वेलोसिटी मतलब आपको वेलोसिटी पता करनी हो तो आप एस टी ग्राफ का स्लोप निकाल दीजिए, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, करेक्ट। एरिया अंडर वी टी ग्राफ निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ये तो एक बात हुई। अब मैं कहता हूँ कि अगर यूनि डायरेक्शनल मोशन है तो मैं कहना चाहता हूँ ए बराबर डी वी अपॉन डी टी। इसे पता है मैं क्या बोलूँगा? इसे मैं बोलूँगा स्लोप ऑफ, इसे मैं बोलूँगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। तो बाई कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ वी कैन कैलकुलेट एक्सीलरेशन, है ना। तो बाई फाइंडिंग स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ ग्राफ वी कैन फाइंड एक्सीलरेशन। अब हम जरा इसका उल्टा बात करें तो देखो डी वी इक्वल टू आ जाएगा ए डी टी, फिर आप इंटीग्रेशन करें, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका वी आ जाएगा या डी वी आ जाएगा, डेल्टा भी आ जाएगा, है ना। तो यह है एरिया अंडर एटी ग्राफ, अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा तो एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर एटी ग्राफ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी, ये आएगा। अब ये जो है ना, ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर स्लोप निकालनी है एस टी की तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी का टाइम का स्लोप निकालेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो ये चार चीज़ें जो है ना आपको जो है ना याद रख लेनी चाहिए, और वैसे भी आपको याद ही रहती हैं ये चारों चीज़ें। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, और उसके बाद में फिर आज का लेक्चर जो है हम समाप्त करेंगे। छोटी सी बात ये है कि जैसे आपको v बराबर डी एस अपॉन डी टी बताया, इसमें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, आपको एक्सीलरेशन बराबर मैंने बताया डी वी अपॉन डी टी। कई बार क्या होता है कि ये जो एक्सेलरेशन होता है इसमें फंक्शन टाइम का नहीं होता, जब टाइम का फंक्शन नहीं होता तो हमारे सामने बड़ी समस्या आ जाती है, फिर हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं ds अपॉन ds कर देते हैं, फिर हम कहेंगे इसको dv अपॉन ds एंड ds अपॉन dt। तो dv अपॉन ds को आप dv अपॉन ds रहने दो और ds अपॉन dt को आप v कह दो, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा v एंड dv अपॉन ds, ये आपका v आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपकी एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी ये आ गई। अब आप लोगों को एक काम करना है, वो ये करना है कि आपका फॉर्मूला चार्ट है ना, फॉर्मूला चार्ट, कल हम यूनिफॉर्मली मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की बातें करेंगे, तो कल का जो आपका वीडियो आएगा उसमें यूनिफॉर्मली मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की बातें आएंगी। आज आप होमवर्क नोट कर लीजिए प्लीज, होमवर्क मस्ट है ये होमवर्क करना। पहले तो मैंने आपको आज शायद 5 क्वेश्चन उसके दिए हैं स्पीड के, तो वो होमवर्क करना है, तो होमवर्क नंबर 1 तो आपका वो हो गया, 5 क्वेश्चन दिए ना स्पीड के वो वाले। इसके अलावा आपको फॉर्मूला चार्ट जो है आपका, फॉर्मूला चार्ट है ना, फॉर्मूला चार्ट जो दे रखा है आपको, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सारे आपको आएंगे, आप करके देखना, करके देखना आप।
ठीक है, जो जो नहीं आए वो मेरे से पूछ लेना, लेकिन आप करने का प्रयत्न जरूर करिए, जोरदार प्रयत्न करिए। तो फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कंप्लीट करिए, ठीक है? ठीक है जी, तो बाकी बातें अपन कल करेंगे। नमस्ते।